मेरा भी यही कहना है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई मीन जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं खुद हूँ ऐसी एक बंदी हूँ जो स्विगी और जोमेटो से खाना ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, एंड आई एक्चुअली सी देम वर्क वेरी हार्ड। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इट्स अ स्टोरी विच इज़ बीन मेड अप, एंड आई रियली फील फॉर द डिलीवरी गाय। आई मीन हो सकता है वो खाली वो एक ही जरिया हो उसका ब्रेड अर्निंग का। सो आई देखो प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर इतना ज़्यादा बात करते हैं हम लोग के फेमिनिज़म। द थिंग इज़ दैट हमेशा यही नहीं होता, हमेशा लड़की सही नहीं होती, बहुत सारी जगहों पे लड़कियाँ भी गलत हो सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट यू नो somebody who's higher एंड somebody who's lower, इट्स अबाउट दैट इज़ what इक्वालिटी इज़। इट इज़ अबाउट treating both of them, both the genders equally, irrespective of what their status is irrespective of the kind of person that they are. मतलब immediately judgment पे नहीं उतर जाना चाहिए, उसको उसका back work भी करना बहुत ज़रूरी है। एक question बोल के तीन question पूछ रहे हो। Everyone is waiting for to see you. So what kind of projects you are bringing now? एक्चुअली मैं खुद भी तरस गई हूँ खुद को देखने के लिए। आई एम होपफुल कि ये साल के अंदर दो फिल्में आएगी मेरी, जिसकी शूटिंग एक की शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है बाय एंड ऑफ दिस मंथ, एंड देन अप्रैल लास्ट वीक इज गोना स्टार्ट फॉर अनदर फिल्म। सलमान सर के ऊपर मतलब ये क्या कहेंगे, क्या होगा इसका मतलब बताओ, मतलब ये सवाल का जवाब क्या होना चाहिए आप बताएं। देखिए एक शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, ये तीनों खान ऐसे हैं जिनकी फिल्म्स जो है वो जब तक बड़े पर्दे पर नहीं लगती तब तक फैंस खुश नहीं होते। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड फॉर सलमान सर फैंस के फाइनली उनको बड़े पर्दे पर देखेंगे। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ऊपर बॉक्सिंग का तो मैंने फुटेज लाए, बोली ना और ना इसका पंकज का आईडी फॉलो करा था, इसका करो दे दे दो। हो गया अविनाश को बोलना।